बीजेपी को तो मांग करने में खुद शर्म आनी चाहिए, उनके तो चार सीटेड लोग उनके कहाँ कहाँ हैं, तो उनको तो मांग करने में, चूंकि मुद्दा विहीन है, मुद्दा उनके पास है नहीं, इसलिए बगैर मुद्दे के वो लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन हंगामे भरा रहा। जिस तरीके से तमाम बीजेपी के विधायक जो हैं वो लगातार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रहे थे और सदन की कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से आज चल नहीं पाई है, यानी कि स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमाम जी हैं, इनसे बात करेंगे। जो तस्वीरें सदन के अंदर और सदन के बाहर निकल कर सामने आ रही है, कैसे देखते हैं अख्तरुल इमाम जी, 5 दिनों का ही ये मानसून सत्र है? लोकतंत्र का चीरहरण है ये मामला। ये है, एक तो ये है कि सरकार बहुत ही अल्प अवधि के लिए मानसून सेशन बुलाती है। सेशन कम से कम 10-15 दिन का लंबा होना चाहिए। बिहार की 11-12-14 करोड़ जनता, उनकी समस्याएं, उनको लेकर यहाँ बहस होनी चाहिए, लेकिन सरकार बहुत ही अल्प अवधि के लिए बुलाती है। और उस पर भी जो सत्ता और विपक्ष का रोल रहा है वो बहुत ही संतोषजनक नहीं रहा है। इससे आम लोगों का बड़ा नुकसान होता है। जो मांग की जा रही है इस्तीफे की तेजस्वी यादव की, क्या लगता है जायज है? बीजेपी को तो मांग करने में खुद शर्म आनी चाहिए, उनके तो चार सीटेड लोग उनके कहाँ कहाँ हैं, तो उनको तो मांग करने में, चूंकि मुद्दा विहीन है, मुद्दा उनके पास है नहीं, इसलिए बगैर मुद्दे के वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सदन के अंदर जिस तरीके से हमेशा तस्वीरें निकल कर आती है, हर एक सत्र की अगर बात करें, पिछला भी सत्र जो चल रहा था, बजट सेशन जो चल रहा था, उसमें भी तस्वीरें निकल कर आई कि मेज पर लोग चढ़ रहे थे, चेयर फेंक रहे थे, और आज भी कुछ उसी तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने के लिए मिली। क्या एक प्रथा बनता चला जा रहा है? देखेंगे, मैं कह रहा हूँ प्री मिच्योर जो डिलीवरी होती है तो उसमें बच्चा कमज़ोर होता है। लगता है कि लोकतंत्र के लिए अभी हम तैयार ही नहीं हैं। लोकतंत्र के नियमों का, उनकी परिपाटी का जिस अद्वार से वो करना चाहिए, तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। हाउस का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी मुद्दे पर सुचारू तौर पर बहस नहीं हो पाना, ये मैं समझता हूँ कि अच्छा संकेत नहीं है। ये हाउस चल रहा है, विधायकों पर जो खर्च हो रहा है, विभाग के सारे लोग बैठे हुए रहते हैं, ये जनता के गारे खून और पसीने की कमाई का मसला है। आखिर बिहार हो या देश हो, गुर्बत से जो नहीं निकल पा रहा है उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र अभी बहुत सी सेहतमंद अंदाज में यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है। इसको और होना चाहिए। सारे मामले में विपक्ष का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सारे मामले में हम मुखालफत करें, और सत्ता को भी, सत्ता का गुरूर नहीं होना चाहिए कि राइट और रॉन्ग वो सारे मामलों को वो अपना कहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखा यही जा रहा है कि बिल की पेशी भी होती है तो नौकरशाहों के जरिए से जो पेश कर जाता है, कॉमा फुल स्टॉप तक भी तब्दील नहीं होता है। तो आखिर किस चीज़ के लिए बहस कराई जाती है? पिछले दिनों से ये देखा जा रहा, पहले हाउस में कोई मुद्दा उठ जाता था, नीचे से लोग ऊपर तक, गांव तक के लोगों को खबर होती थी कि हाउस में मुद्दा उठा है, इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन हाउस पर मुद्दे उठने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ये इन तमाम तर चीज़ों पर मंथन करने की ज़रूरत है कि सिर्फ लोकतंत्र को एक हम रटी रटाई अंदाज में न लेकर चलें, बल्कि जनहित के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा हल हों, आम लोगों के मसाइल हल हों, देश और राज्य तरक्की की तरफ जाए, लोगों के टैक्स के पैसों का सदुपयोग इस्तेमाल हो, पीछे पंक्ति में रहने वाले लोगों को इंसाफ मिल सके, उसके लिए बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत बाकी है। तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए डिप्टी सीएम पद से, अख्तरुल इमाम को क्या लगता है, हाँ या ना? देखिए, अखलाकी जो राजनीतिक नैतिकता रही है, परंपराएँ रही है कि जब भी कोई चार्ज सीटेड हुए हैं तो उनको इस्तीफा की मांग की गई है, और बहुत सारे लोगों ने तो खुद ही से दे दिया है, लेकिन चूंकि अब परंपराएं इतनी चौपट की जा रही हैं और बीजेपी मांग रही है, तो बीजेपी को खुद शर्म करनी चाहिए कि उसके कितने कितने पापी लोग हैं जो लोग मंत्रालय में बैठे हुए हैं। अच्छा, छपरा में जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर सामने आई है, क्या मॉब लिंचिंग रुकने वाला नहीं है, जटिल हो चुका है? ये तो नीतीश कुमार जी के लिए बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार जी की वाणी में अब कोई सदाकत बाकी नहीं रही। इस शख्स के हर एक को देखें, इनका करेक्टर को, तो हर चीज़ में उल्टी बात नज़र आएगी इनको। इन्होंने कहा करप्शन से, कम्युनलिज्म से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। करप्शन जितना बढ़ा है इनके राज में, इससे पहले नहीं बढ़ा था, और कम्युनलिज्म जितना हो रहा है, टारगेट किए जा रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लोग। अभी जो कुछ पिछले दिनों में हुआ नालंदा में, आपने देखा होगा कि मस्जिद जलाई गई है ना, किताबें जलाई गई है ना, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, तो इस तरह की जो घटनाएँ घट रही है, और वो फिर पूरे से प्लान वे में कर रही है, इनका डीएम और एसपी सारी चीज़ों से बाखबर है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी अररिया में अप्रैल के दिनों में
शहरी के वक्त जबकि सुबह हो जाती है उस वक्त एक आदमी सामान लेने के लिए अपने मोहल्ले में जाता है, एसएसबी का नौजवान शहबाज को पकड़ता है और इतना पीटता है कि पीटते पीटते थाना लिया तो वह दम तोड़ देता है और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। एसएसबी के नामित जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। अभी पिछले दिनों में देखा जहीर को मामला देखा कि आपने उनका रिजवी का मामला पिछले दिनों में हुआ, तो जो भाजपा चाहती है कल तक ये मिले हुए थे भाजपा के साथ जिस वक्त यहाँ पर सनोबर का गला घोटा गया समस्तीपुर में और एक बच्ची यहाँ पर वैशाली में गुल्ला मारी गई तो वो तो बीजेपी के साथ थे, लेकिन अभी तो अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर हो गए हैं। और अभी जहीर का मामला हुआ, ये शहबाज का मामला हुआ, जहीर क्या हो रहा, हड्डी का कारोबार अक्सर इसमें हमें माइनॉरिटी के लोग ही करते हैं और उसको जानबूझकर उसकी मॉब लिंचिंग हो रही है। और क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट का फेल्योर है, लोग अपने गाड़ी कमाई से टैक्स देते हैं अपने जानमाल की सुरक्षा के लिए, सरकारी सुविधाओं के लिए टैक्स के पैसे जो दे रहे हैं उनके जानमाल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी, ये फेल्योर है गवर्नमेंट का। 50-50 लाख रुपए कम से कम दे उनके परिवार को ताकि उनका पालन पोषण हो सके और ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्त करें। देखिए देश जो कानून से चलता है, कानून का मतलब इंसाफ का राज, और जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा शांति सौहार्द की बातें फोहड़ बयानबाजी होगी। तो आपने सुना अख्तरुल इमाम को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि सुशासन की जो बात करती है बिहार में पूरी तरीके से अब खोखली हो चुकी है। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।